हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे देवारा मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चले दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR इन दिनों अपनी मूवी देवारा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म का जबरदस्त तरीके से अब प्रमोशन किया जा रहा है। जूनियर NTR ने हाल ही में मुंबई में आलिया भट्ट और करण जौहर के साथ मूवी का प्रचार किया था। कुछ दिन पहले ही देवारा का ट्रेलर भी पेश किया गया था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं हाल ही में मूवी के दूसरे ट्रेलर को लॉन्च करने की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है जिसके बारे में जानने के लिए दर्शक भी उत्सुक है। जूनियर NTR ने मुंबई में फिल्म के हिंदी संस्करण का प्रचार किया। वहीं मूवी का तेलुगु प्रचार जल्द ही शुरू हो जाएगा और दर्शक ये देखने के लिए उत्सुक है कि मूवी के ट्रेलर में जूनियर NTR का दमदार अंदाज देखने को मिला था वही अब बड़े पर्दे पर जल्द देखने को मिल जाए। ट्रेलर को दर्शकों को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। वहीं मूवी के प्रचार को और भी बढ़ाने के लिए निर्माता इनका दूसरा ट्रेलर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं और अब खबर है कि नया ट्रेलर पूरी तरह से कट चुका है और एक दूसरा ट्रेलर कल होने वाले प्री रिलीज इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है। नए ट्रेलर में मूवी के मौजूद बड़े सीक्वेंस को हाईलाइट किए जाने की उम्मीद है। साथ ही जूनियर NTR का अलग अवतार भी देखने को मिल जाएगा। इसमें मूवी और इसकी कहानी को नए तरीके से दिखाया जाएगा। इसी बीच मूवी के गाने को लेकर भी खबरें सामने आई थी। मूवी का नया गाना आयुध पूजा इस हफ्ते बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा जो मूवी का ओपनिंग सॉन्ग भी माना जा रहा है। देवारा जूनियर NTR की 30वीं मूवी भी है। इसी के साथ एक्टर इस मूवी में पिता और पुत्र दोनों का किरदार बड़े पर्दे पर निभाएंगे, यानी कि ये फिल्म में जूनियर NTR डबल रोल का अपना किरदार निभाने वाले हैं। इसी के साथ मूवी में जानवी कपूर सैफ अली खान के साथ राम्या कृष्णन प्रकाश राज श्रीकांत श्रुति मराठे नारायण शाइनो टॉम चाको कल्या रासन अभिमन्युसी जैसे अन्य कलाकार भी होंगे और इसी के साथ इस मूवी को म्यूजिक जबरदस्त संगीत रचनाकार अनिरुद्ध रविचंदन ने दिया है और ये मूवी 27 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।